हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। आज हम द फ्रैक्चर नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो। ये कहानी एक आदमी के अराउंड घूमती है जो अपने फैमिली के साथ एक हॉस्पिटल में विजिट करता है, पर ये विजिट उस आदमी की पूरी लाइफ चेंज करने वाली है। इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जिसे देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अब शुरू करते हैं मूवी की कहानी से, जहां हमें एक फैमिली दिखती है जो थैंक्सगिविंग पार्टी से लौट रही थी। इस फैमिली में हमें रे नाम का एक आदमी दिखता है जो अपनी बीवी जोआन से झगड़ा कर रहा था। जोआन और रे हमेशा लड़ते रहते थे, इसलिए हमें पता चलता है कि दोनों की रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही थी। हमें दोनों की बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम पैरी होता है। पैरी को बाथरूम जाना था, जिसके वजह से रे पास के गैस स्टेशन पर अपनी कार को रोकता है। जोआन पैरी को बाथरूम लेके जाती है, वही दूसरी ओर रे कॉफी लेने जाता है। वापस लौटने पर पैरी बताती है कि उसका एक खिलौना खो गया है, इसलिए उसके दोनों पेरेंट्स उस खिलौने को ढूंढने लगते हैं। जोआन को लगता है कि पैरी ने अपना खिलौना बाथरूम में ही छोड़ दिया है, इसलिए वो वापस बाथरूम में उसे ढूंढने जाती है। रे कार में ही उस टॉय को ढूंढ रहा था, पर गलती से कार में कॉफी गिर जाती है, जिससे रे का पूरा ध्यान कार की सीट साफ करने में होता है। दूसरी ओर पैरी, जिसे एक जगह खड़े रहने बोला गया था, उसे एक सुंदर सा बलून दिखता है, इसीलिए पैरी उसे लेने जाती है। तभी पैरी के सामने एक डॉग आता है, जिसे देखकर पैरी एक कंस्ट्रक्शन साइट के किनारे खड़े हो जाती है, जहाँ से वो गिर भी सकती थी। रे इस बात को नोटिस करता है, इसलिए अपने बच्ची को बचाने के लिए रे उस डॉग पे पत्थर फेंकता है, जिससे डर कर पैरी नीचे गिर जाती है। रे अपने बच्ची को बचाने के लिए नीचे कूदता है और दोनों भी उस किनारे से नीचे गिरते हैं। रे बेहोश हो गया था, पर होश में आने के बाद वो अपनी बेटी को देखता है जो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। रे को लगता है कि वो गिरने के वजह से मर गई है, इसलिए रे पूरी तरह से सुन हो जाता है और बस अपनी बेटी को बिना कोई एक्सप्रेशन दिए हुए देखता रहता है। तभी वह जोआन भी आती है, जो रे को ऐसा देखकर उसे चिल्लाने लगती है और उसे मारने लगती है, क्योंकि रे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। रे अपनी बीवी को धक्का देकर पीछे मुड़ जाता है, पर तभी उसे अपनी बेटी की आवाज आती है, जिसे रे समझता है कि उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। रे वापस होश में आके अपनी बेटी को गले लगा लेता है। तभी उसे पता चलता है कि गिरने के वजह से पैरी को फ्रैक्चर हुआ है। रे बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बीवी के साथ पैरी को हॉस्पिटल में लेके जाता है। हॉस्पिटल में एक बड़ी लाइन होती है, इसलिए रे अपनी बेटी को एमरजेंसी में एडमिट नहीं कर पाता। वेटिंग एरिया में उसकी बीवी अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठी हुई थी। रे आकर बताता है कि चेकअप करने के लिए थोड़ा वक्त जाएगा। यहाँ पर हमें जोआन का अलग बिहेवियर देखने मिलता है। अचानक से जोआन अपने पति से अच्छा बिहेव करने लगती है और उसे सॉरी भी बोलती है। रे ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश था और इसके बाद दोनों हंसी खुशी बात करने लगते हैं। इसी बीच में रे नोटिस करता है कि हॉस्पिटल के लोग उसे अजीब सा लुक दे रहे हैं। हमें भी धीरे धीरे फील होता है कि हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ भी अजीब बिहेव करने लगते हैं। चेकअप के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पर हॉस्पिटल की एम्प्लॉई रे से अजीब सवाल करने लगती है। रे के पास इंश्योरेंस था, पर वो उसकी पहली बीवी के नाम पर था, जो कि अब मर चुकी है, इसलिए रे को अपने पॉकेट से पैसे भरने पड़ते हैं। इस सेशन के लास्ट में वो एम्प्लॉई रे से ऑर्गन डोनेट करने के लिए पूछती है, पर रे को अपनी बेटी का किसी भी ऑर्गन को डोनेट नहीं करना था। अब एक्चुअल चेकअप का टाइम आता है, जहाँ पर एक डॉक्टर पैरी को चेक कर रहा था, जहाँ उन्हें पता चलता है कि पैरी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर को डाउट था कि शायद गिरने के वजह से पैरी के सिर पर चोट आई है, इसलिए वो कैट स्कैन करने के लिए बोलता है। स्कैन के लिए एक ही पेरेंट अलाउड था, इसलिए जोआन पैरी के साथ स्कैन करने के लिए चली जाती है और रे बाहर वेट कर रहा था। वेट करते करते रात हो जाती है और उसकी बीवी और बेटी अभी तक बाहर नहीं आते, इसलिए रे हॉस्पिटल के एक स्टाफ को पूछने जाता है। रे को यहाँ पे एक शॉक लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि पैरी नाम की एक भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई है। रे को ये सब कुछ मजाक लगने लगता है, क्योंकि उसने खुद अपनी बीवी के साथ अपनी बेटी को इस हॉस्पिटल में एडमिट किया था। रे हॉस्पिटल के बाकी के स्टाफ और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, जिसने उसकी बेटी और बीवी को देखा था, पर रात होने की वजह से हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और स्टाफ की पोस्ट चेंज हो गई थी। धीरे धीरे रे को डाउट आता है कि शायद ये हॉस्पिटल लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स को इलीगली निकाल लेता है।
रे को लगता है कि कुछ ऐसे ही पैरी के साथ भी होने वाला है, इसीलिए वो हॉस्पिटल के लोगों से झगड़ा करने लगता है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। इसी वजह से हॉस्पिटल के लोग रे को बेहोश करके एक रूम में बंद कर देते हैं। रे थोड़ा होश में होता है और इसी वजह से वो किसी तरह से उस रूम से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के बाहर आता है, जहाँ उसे दो पुलिस ऑफिसर दिखते हैं। रे अपनी कंप्लेंट पुलिस वालों को बताता है और उनके साथ फिर से हॉस्पिटल के अंदर जाता है ताकि वो अपनी बीवी और बेटी को ढूंढ सके। पुलिस वालों के सामने भी हॉस्पिटल वाले वही रिकॉर्ड्स रखते हैं जिसमें ये था कि रे की बीवी और बेटी इस हॉस्पिटल में नहीं आए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मांग करती है, पर उस फुटेजेस में भी जोवान और पैरी जिस चेयर पर बैठे थे वहाँ का एंगल कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। इसके बाद पुलिस और रे आज के स्कैन्स का रिकॉर्ड चेक करते हैं, पर वहाँ पर भी पैरी का नाम नहीं होता। रे को अब पूरा डाउट होता है कि हॉस्पिटल में ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है और हॉस्पिटल के लोग ज़रूर एक बड़ा प्लान बनाकर ऑर्गन्स को चोरी करने वाले हैं। रे की इस हालत को देख के उसे समझाने एक साइकाइट्रिस्ट आती है और उसे अपनी बीवी और बेटी के बारे में बताने बोलती है। बोलते बोलते रे अपनी पास्ट के बारे में भी बहुत कुछ बोल देता है, जैसे कि उसकी एक पहली बीवी थी जो कि एक एक्सीडेंट में मारी गई। वो एक्सीडेंट भी रे के वजह से हुआ था क्योंकि वो शराब पीकर ड्राइव कर रहा था। इस बात से साइकेट्रिस्ट समझ जाती है कि रे अभी भी अपनी पहली बीवी की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकला है, इसलिए रे को लग रहा है कि वो हॉस्पिटल में अपनी बीवी के साथ आया था। अब पुलिस को पता चल गया था कि रे एक मेंटल पेशेंट है जो कि अकेले ही इस हॉस्पिटल में आया था, पर बाद में उसे ऐसा लगने लगा कि वो अपनी फैमिली के साथ आया है। रे अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो उस जगह चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है जहाँ पर उसकी बेटी गिरी थी। पुलिस को उस जगह बड़े बड़े खून के निशान दिखते हैं जो कि पैरी के गिरने के वक्त वहाँ पर नहीं थे। अब पुलिस श्योर हो गई थी कि रे ने ही अपनी बीवी और बच्चे का खून किया है, इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। साइकेट्रिस्ट भी वहाँ पर होती है जो कि रे के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो सब उसके सामने प्रेजेंट करती है। कई सालों पहले रे की वजह से उसकी बीवी मर गई थी, इसी बात का दुख रे के दिमाग में छुपा हुआ था, पर आज जब गुस्से में रे ने अपनी फैमिली को मार दिया तब तो वो दुख वापस बाहर आया और रे को गिल्ट फील होने लगा। इसी गिल्ट के चलते रे को अपनी बीवी और बेटी जिंदा नजर आ रही थी और इसी वजह से ही वो अपने इमेजिनरी फैमिली को हॉस्पिटल लेके आया। कुछ देर के लिए रे ये सब कुछ मान लेता है और उसे ये सब कुछ बातें सच लगने लगती है कि शायद उसी ने ही अपने हाथों से अपनी फैमिली का खून किया है। पर तभी रे को वही कुत्ता दिखता है जिसकी वजह से आज सुबह उसकी बेटी गिरी थी, जिससे रे को यकीन हो जाता है कि जो भी उसने आज किया है वो हेल्यूसिनेशन नहीं है बल्कि सब कुछ सच है। इसी बात को प्रूफ करने के लिए रे सारे पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट में लेके एक रूम में बंद कर देता है और वहां से डॉक्टर का लैब कोट पहनकर हॉस्पिटल के अंदर फिर से चले जाता है। रे एक लिफ्ट से बेसमेंट की ओर जाता है जहाँ उसकी फैमिली को लाया गया था, या उसे कुछ डेड बॉडीज दिखती है जिसके ऑर्गन्स को निकाला गया था। रे आगे जाता है तो देखता है कि वो सारे डॉक्टर्स जो सुबह से उसे झूठ बोल रहे थे वो पैरी के बॉडी से ऑर्गन्स को निकाल रहे थे। रे उन्हें गन दिखाकर रुकने के लिए बोलता है। वहां पर रे की बीवी जोआन भी होती है जो कि बेहोश थी। रे अपनी बेटी और बीवी को लेकर उस रूम से बाहर आने लगता है, पर वो सारे डॉक्टर्स उसे रोकने लगते हैं, पर रे वहां पे एक ब्लास्ट करके भाग जाता है। बाहर भी एक डॉक्टर रे को समझाने की कोशिश करता है, पर रे उसे भी गोली मारकर भाग जाता है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद रे अपनी बीवी और बेटी को कार में बिठाकर वहां से चले जाता है। रे बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसने खुद पर भरोसा किया था और अपनी फैमिली को बचा लिया था। पीछे जोआन भी उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि रे ने उनकी जान बचाई थी। पर मूवी यहीं पर ख़त्म नहीं होती क्योंकि एक्चुअली में रे ने जिन्हें हॉस्पिटल से लाया था वो उसकी बीवी या बेटी नहीं होती बल्कि वो हॉस्पिटल के पेशेंट्स होते हैं जिनके ऑर्गन्स डोनेशन के लिए निकाले जा रहे थे, जिसका मतलब साइकेट्रिस्ट ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था। असल में पैरी की मौत उसी वक्त हो गई थी जब वो नीचे गिर गई थी। रे ने अपनी बीवी जोआन को धक्का मारा था जिससे वो भी रॉड के लगने के वजह से मर गई। रे को अब गिल्ट होने लगा था क्योंकि उसके वजह से दोबारा उसकी फैमिली मारी गई थी, इसलिए रे का दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन हो गया था, पर बाद में उसे ऐसे विजुअल्स दिखाने लगा जैसे कि उसकी फैमिली जिंदा है। रे असल में अकेले ही इस हॉस्पिटल में आया था पर उसे ऐसा दिख रहा था कि जैसे वो अपनी बीवी और बेटी के साथ आया हो।
रे अपनी बीवी से प्यार करता था, पर हमेशा उसकी बीवी उस पर गुस्सा करती थी। इसलिए मरने के बाद रे के दिमाग ने रे की बीवी की वैसी ही इमेज बनाई जैसे रे को असल लाइफ में चाहिए थी, यानी कि उसकी केयर करने वाली और उसे थैंक यू बोलने वाली। रे ने पहले भी अपनी बीवी को नहीं बचाया था और अभी भी उसने अपनी फैमिली को मार दिया, पर उसे इस गिल्ड में नहीं रहना था। इसलिए रे ने अपनी अलग ही दुनिया बना ली जिसमें उसने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। वो हॉस्पिटल भी एक जेन्युइन हॉस्पिटल था जिसमें लीगली ऑर्गन्स को निकाला जाता था ताकि वो लोग चैरिटी को डोनेट कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जिससे आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।